जाएगा। नंबर 1 कितना पावरफुल परिवार है, अब्राहम का परिवार जैसा है, कितना अच्छा। जो जो यहोशुआ ने क्या बोला है, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर को सेवकाएं करेंगे। ये रंजीत दा का परिवार में हम लोग देख सकता है कितना अच्छा है, और सबके लिए, सब परिवार के लिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग का प्रार्थना में जाने के पहले थोड़ा शेयरिंग हम देना चाहता है, जो हमने बताया ना ग्रुप में, एफेसियो 6 अध्याय से हम लोग बाइबल थोड़ा देखेगा, मैं लंबा समय नहीं लेंगे। एफेसियो चैप्टर 6 चैप्टर 6 वर्स 4 13 से ओके कौन पढ़ेगा? एफेसियो वर्स 10 से पढ़ने से अच्छा होगा, स्पिरिचुअल आर्मर।
हिंदी से वर्ष 10 से 18 तक। आशीष दर्पिंग की आप मिल गया ना। ए सीमा, सीमा रे दी है एफिसियो, ऑडियो तो खोजना पड़ेगा। एफिसियो टेन ऑस्ट्रिया। से हाँ, 10 से 15 10 से 18 तक। अठारह हाँ तक शेहते प्रभु और शक्ति पराक्रम बलवंत हुआ शैतानर नाना विध कुकल्पना सम्मुखी फिरे थकबले समर्थ हबर कारणे ईश्वर आटाई सज पिंधा क्यों तेज और मांसर सहित आमार मल्लुद्ध हुआ ना किंतु आधिपत्यर क्षमता ये अंधकार जगतपति और स्वर्गीय ठाई बुरर दुष्टता आत्मिक दलबूर सहित हेतुके तुमालुके मंदर दिनन प्रतिरोध करिबलय सकलुके सिद्धि करि थिरे थाकिबलय समर्थ হবৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ আটাই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লোৱা এতেকে সত্যৰে কঁকাল বান্ধি ধাৰ্মিকতাৰ বুকুবৰি পিন্ধা শান্তিৰ শুভবাৰ্তা প্ৰচেষ্টাৰ জোতা ভৰিত পিন্ধি তিৰে থকা তাৰ বাজে যিহেৰে তোমালোকে পাপ আত্মা সকলো অগ্নিশ নুমাব পাৰিবা এনে বিশ্বাসৰ ঢাল লোৱা আৰু পৰিত্ৰাণৰ কটাই আৰু আত্মাৰ তৰোৱাল অথবা ঈশ্বৰৰ বাক্য গ্ৰহণ কৰা সকলো প্ৰাৰ্থনা আৰু নিবেদনেৰে সকলো সময়ত আত্মাত প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু ইয়াৰ কাৰণে পৰ দি সকলো পবিত্ৰ লোকৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ধৈৰ্য আৰু নিবেদনত লাগি থকা প্ৰেছ দ্য লৰ্ড Amen. আমেন Praise the Lord. Praise the Lord. Or Jesaja chapter 59 और verse 17. आप लोग मेरा स्क्रीन देख सकता है हम जो शेयर किया है। आपका स्क्रीन में एक रोमन आर्मी का पिक्चर आया है। हाँ, ये स्क्रीन को देखना है। जिसायो चैप्टर 59 वर्स 17। धार्मिकता रूप बुकु पता पिंदिले आरु मुरत परित्राण रूपे खिरु रक्षक पिंदिले आरु गार कापुरर निमित्रे प्रतिकार रूप हास परिधान करिले আৰু ৰূপ জামা গাত দিলে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सेदु पॉल ने यहाँ पर हम लोग को एक चीज को समझाना चाहता है कि हम लोग का जो एनिमी है, हम लोग का एडवर्सरी है, जो सैतन है, उसका पावर पहले हमको समझाया है एफेसियो चैप्टर 6 वर्स 12 में। हम लोग का एनिमी कौन है, कैसे है, हम लोग को समझाया है। वो लोग आत्मा का है, आग से हम लोग नहीं देख पाया है, लेकिन वो लोग हम लोग का सामने, हम लोग का पीछे में, हम लोग को नष्ट करने के लिए काम करते रहता है। अंग्रेजी भाषा में लिखा है, फॉर वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लेश एंड ब्लड। हम लोग जो अगेंस्ट क्या है, वो लोग फ्लेश और ब्लड, मतलब उनका पास बुद्धि नहीं है, आत्मा जैसा है लेकिन पवित्र आत्मा जैसा नहीं है, भूत आत्मा, शैतान का आत्मा। But against, we against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual weakness in high place. High place. हवा में भी उलूक है और इस पृथ्वी पर में भी है। इसलिए सिद्धू पॉल ने हम लोग को बताया है इन चीजों से हम लोग कैसे अपने आप को परमेश्वर का हथियार
परमेश्वर का हथियार हम लोग के पास कैसे रहेगा, तो सोचो इस समय में जब चिट्ठी लिखा है भेजा है सेदु पॉल का समय में रोमन आर्मी लोग का रोमन एम्पायर का समय है, तो आज का आर्मी तो ऐसे आर्मर ऐसे हथियार नहीं लगाएगा, आज का आर्मी लोग आज का सिपाही लोग तो उनका हाथ में राइफल रहता है पिस्तौल रहता है, लेकिन सेदु पॉल ने जो हम लोग को बताया है उस समय में जो आर्मी लुक है उन लोगों का यूनिफॉर्म ऐसे ही होता है, तलवार ढाल और हेलमेट और उसका पाव में जो कवर होता है ऐसे ड्रेस करके रोमन आर्मी लुक सारे दुनिया पर जाता है। रोमन एम्पायर यूरोप जो है यूरोप पहले पूरा दुनिया को रोमन आर्मी का अंदर में रहता है, तो वो लोग ए जो यूनिफॉर्म लेके उन लोग का एनिमी को मार देता है ऐसे ड्रेस पहन के वो लोग जाता है। वही एग्जाम्पल लेके सेदु पॉल ने हम लोग को बताया है हम लोग के लिए भी ऐसे ही पहनना है, लेकिन हम लोग का कपड़ा तो यूनिफॉर्म तो अलग हो जाएगा लेकिन ऐसे ही हम लोग पहनना है ताकि शैतान का काम से हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। लिखा है उसका पहले जो हेलमेट ऑफ सल्वेशन मतलब टॉप, उसका टॉप है उदर, परमेश्वर का सल्वेशन है परमेश्वर का उदर है हम लोग का हेलमेट के लिए हम लोग लगाना है। उसके बाद हम लोग क्या लगाना है जो ब्रेस प्लेट होता है चेस में झीलम ना हिंदी भाषा में झीलम कहता है, उसमें क्या है राइचियसनेस धर्मिक हम लोग पहनना है, और उसके बाद लोइंस कमरे में जो आर्मी लोग पहनता है उसमें हम लोग क्या पहनना होता है सही वचन हम लोग का कमर में रहना है, और उसके बाद हम लोग का फीट में जो पाव में सुसमाचार रखना है सुसमाचार पहन के हम लोग जाना है, और उसके बाद सबसे बड़ा है शील्ड, उसका शील्ड आप देख सकता है तो उसका डाल है उसका बॉडी को पूरा कवर करता है ना शील्ड ये जो है शील्ड है आर्मी का सामने हाथ में जो शील्ड लगाया है हिंदी का भाषा में डाल, उसका डाल क्या है विश्वास, ये चीज पहन के हम लोग का एनिमी शैतान को हम लोग उसका कान से हम लोग जी सकता है, और जितना दुर्बल आने से जितना परखाने वाला आने से परमेश्वर के साथ हम लोग रह सकता है। और लस में क्या है तलवार, हम लोग का तलवार क्या होना है वचन, आत्मा की तलवार है वचन, रोम आर्मी का हाथ में तलवार है लेकिन हम लोग का हाथ में क्या होना है वचन, यही सेदु पॉल ने हम लोग को समझाना चाहता है, इसलिए ये जो आर्मी का यूनिफॉर्म को एग्जाम्पल के लिए लाया है। आप ध्यान से देखो उसका हेलमेट में क्या है उसका पाव में क्या है उसका ब्रेस प्लेट में क्या है उसका डाल में क्या लगाया है उसका हाथ में क्या रखा है, हेलमेट लगाया है उधार सल्वेशन और ब्रेस प्लेट में धार्मिकता राइचियसनेस और उसका हाथ में तलवार जो रखा है वचन, वचन से हम लोग तलवार को इस्तेमाल करेगा है कि नहीं, लोग आएगा शैतान भी आएगा वचन से हम लोग इस्तेमाल करेगा हम लोग वचन से जी जाएंगे, और जो शील्ड है बहुत जरूरत हो जाता है ढाल, हर चीज तो आएगा बीमारी भी आएगा शैतान का काम भी आएगा परिवार का प्रॉब्लम भी आएगा, कल रात जो फल हम लोग बताया है कमती भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग का शील्ड है हम लोग का ढाल है विश्वास होगा तो पूरा बॉडी को उसका काम से शैतान का काम से हम लोग को बढ़ जाएंगे। और पाव के लिए क्या जरूरत है गोस्पेल, हर जगह में हम लोग जाएगा
परमेश्वर का सुसमाचार हम लोग देते रहेंगे. प्रेज द लॉर्ड. यही सेदू पॉल ने हम लोग को एग्जाम्पल बताया है, इसलिए यही आसरा में हम शेयर करना चाहता है पिक्चर के साथ. हेलमेट में हम लोग सल्वेशन लगाना है और हम लोग का तलवार क्या होना है, तलवार के लिए हम लोग का क्या होना है, वचन. और हम लोग का दाल के लिए क्या होना है, विश्वास. और हम लोग का पाव में हम लोग क्या रखेगा, सुसमाचार, गॉस्पेल. ये चीज अगर हम लोग का पास रहेगा तो कभी ना कभी शैतान आने से भी उसका काम में हम लोग गिरेगा नहीं, हमेशा हम लोग जाएंगे स्वर्ग तक हम लोग जा सकेगा. इसीलिए अभी जो हम लोग एग्जाम्पल देखा है वैसे ही हम लोग हर दिन में हम लोग अप्लाई करना, कोशिश करना बहुत जरूरत है. तो एक एक हम पूछ लेते हैं. टॉप के लिए हम लोग क्या पहनना है सिस्टर ऋतु? टॉप के लिए क्या पहनना है? एक बार खुला था, खुल गया है. यहाँ में जो हम लोग एफएसओ में जो पराए है टॉप, जो हेलमेट है, हेलमेट के लिए हम लोग क्या पहनना है? हेलमेट के लिए जो टोपी है, हेलमेट के लिए हम लोग क्या पहनना है? एफएसओ में जो लिखा है, हाँ हमारा पास्टर ने बोल रहा है, अभी तुरा पास्टर ने बोल रहा है, सल्वेशन, उद्धार. और सबसे इजी वाला है पाव में क्या पहनना है सिस्टर सीमा? सुसमाचार. और हम लोग का जो दाल है, हम लोग का सिल्ट है, क्या होना चाहिए सिस्टर पिंकी? दाल के लिए, सिल्ट के लिए क्या बताया है हम लोग को? मिल गया, विश्वास, फेथ. अभी और सबसे इजी वाला है तलवार. तलवार के लिए हम लोग को क्या दिया है सिस्टर मोई? ये सबसे इजी है, प्रोटेक्शन ऑफ स्पिरिट, वचन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. क्या बाकी है अभी? लॉयंस. और लॉयंस कमर के लिए, कमर में जो पहनना है सिस्टर बसंती, हम लोग को क्या दिया है? हम लोग क्या पहनना है कमर में? हमारा पास्टर मरक अभी बोल रहा है लेकिन उसका ऑडियो बंद किया है. ट्रूथ, सही. हम लोग का लॉन्च में सच्चाई, सच्चाई, सच्चाई रहना है. और पास्टर जी को हम लोग एक बार पूछते हैं, पास्टर सुभिमल में सबको बता देना है हम लोग का हेलमेट के लिए क्या पहनना है. पास्टर हम लोग को समझा दीजिए हेलमेट में क्या पहनना है. परित्राण, विश्व, सल्वेशन, सल्वेशन. और दाल के लिए, दाल के लिए विश्वास, यस. तलवार के लिए सिस्टर पिंकी, हम लोग का तलवार क्या है? आपका ऑडियो बंद हो रहा है, आप ऑडियो. अभी हम लोग एक जंप कर रहा है. तलवार के लिए, तलवार के लिए क्या दिया है? विश्वास दिया ना उधर, या वचन क्या दिया है? वचन. हाँ, अभी आ गया. परमेश्वर का,
आत्मा की तलवार का क्या है? वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। और रंजित रंजित दालू को अभी पूछते हैं, हम लोग का दाल के लिए क्या दिया है? सील, दाल, दाल के लिए क्या दिया है? उधार ना, वचन या विश्वास? सूरा पद में लिखा है विश्वास, 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 विश्वास बोला है। ठीक है, यही बाहात करना है। एफिसियो में आसरान में हम लोग जो पढ़ा है इसे रिमेम्बरेंस करना है, मेमोराइज करना है, हम लोग के लिए बहुत ही जरूरत है। इसलिए सेदु पॉल ने हम लोग को समझाया है, हम लोग का जो यूनिफॉर्म होना है ये सब हम लोग पहनना है, विश्वास, तलवार के लिए वचन, और हम लोग जो जूता के लिए सुसमाचार, ये सब परमेश्वर ने दिया है, धार्मिकता, सब हम लोग पहनना है ताकि शैतान के काम से हम लोग हमेशा जीत पाए। प्रेज द लॉर्ड। ये एक बार पढ़ने के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अपने बाइबल को फिर पढ़िए, अपने से स्टडी कीजिएगा, तब पूरा मालूम हो जाएंगे। अभी हम लोग प्रार्थना में जाएगा। ये जो है कभी कभी हम लोग पूछते रहेगा, हम लोग का तलवार के लिए प्रभु क्या दिया है, हम लोग का दाल के लिए प्रभु क्या दिया है, दूसरे दिन में भी हम लोग पूछते रहेगा ताकि हम लोग याद कर सके। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रार्थना का पॉइंट मेरे तरफ से शुरू होगा। हम लोग का जो प्रार्थना है हम लोग रिकॉर्ड करते रहता है ताकि हम लोग का जो समय नहीं है बाद में देख पाए। तो मेरा एक दोस्त ने हम लोग का प्रार्थना का वीडियो देखा है, वो भी अभी कोविड पेशेंट हो गया है मिजोरम में। उसने हम लोग का प्रार्थना देख के सोच लिया है, हाँ यहाँ मैं प्रार्थना में समर्थ हूँ, आप लोग का प्रार्थना में पावर है, मेरे लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। वो मेरा हाई स्कूल फ्रेंड है, अभी मिजोरम में है, कोविड पॉजिटिव हुआ है, उसके लिए आप लोग हम अनुरोध करता है। आर वी एल, उसका नाम है आर वी एल, आर वी एल, आर वी एल, हाँ आर वी एल है उसका नाम। और सिस्टर दुओमी का तरफ से एक प्रेयर रिक्वेस्ट हम मिला है। मिजोरम में एक एवंजेलिस है, उसका बच्चा बीमार था, उसका बच्चा बीमार था, बच्चा का नाम है मिजो भाषा है, बहुत लंबा है, एक बच्चा बोलो बस, प्रभु जानते हैं। मिजोरम का एक बच्चा हमारा एवंजेलिस का है, उसका बच्चा बीमार है, अभी हॉस्पिटल में है, जहां हमने रहता है दुर्टलांग, दुर्टलांग में प्रेसबिटेरियन हॉस्पिटल, एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। उसके लिए रिक्वेस्ट किया प्रार्थना करने के लिए। और एक एक से हम लोग प्रेयर कौन सुनते हैं, सिस्टर मोई से शुरू कीजिए। और सब भाई ने भाई बहनों को धन्यवाद, आप सब जुड़े हैं, और पूरा पास्टर को भी धन्यवाद, फिर से हम जुड़ पाए हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वैसे तो सब कुछ ठीक है, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, उसके सिवा हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, दे भी नहीं पाएंगे, सिर्फ शुक्रिया कह सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। और कल से मेरा थोड़ा थोड़ा सर में पता नहीं क्यों दर्द रहता है, आता है जाता है, तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, और मेरे जो दीदी ने बहने हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए, जो यहाँ पे है मेरे बेटा बेटी, मेरे मम्मी के लिए प्रार्थना कीजिए। सिस्टर रितु, जय मसीह सबको, जय मसीह। मेरे परिवार के साथ मेरे बेटे हस्बैंड और मेरे माता इन लोगों के लिए आमीन। और अंति दोनों का तरफ से पिंकी लुक, पास्टर सुनाई दे रहा है ना आपको? हाँ क्लियर। हमारे पानी घाटी में जितने परिवार है सबके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि शाम को जब फ्रेंड मीटिंग होता है ज्यादातर लोग भाग जाते हैं,
और आते हैं, इसीलिए इनके बीच में शैतान का काम हो रहा है। आप प्रे कीजिए कि रोज शाम को आए ऑनलाइन में, जूम पे आए और प्रे ज्वाइन करिए, जरूर हमारे सारे फैमिली के लिए प्रे करिए। हमारे ठीक फैमिली में हमारे बच्चे, मेरे बहन के बच्चे, मेरा बेटा, सबके लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और रंजित दा, सबको जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर भैया, हम लोग तो सब पीछे, सब ठीक ही है, सब अच्छा है, सबको इकट्ठे कर तो शाम को प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग कलेक्टर का सबके लिए प्रार्थना कीजिएगा, और हमारा पास्टर भैया का आपके भी लिए, भाभी के लिए, बच्चे के लिए, और जो हम पास्टर भैया उसके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। मामा भी है, सुना है, मेरे घर के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, और सीमा का भी, बच्चे के लिए भी, और बाकी तो ठीक है, और सब कलिसिया के लिए, और सब घर घर में प्रभु का आशीष रहे, और सब सुखी रहे, और चूड़ा पास्टर के लिए भी हम लोग को प्रार्थना, उन लोग का मंडली के लिए भी, और हम लोग का जितना भी मंडली है सबके लिए हमको प्रार्थना करना है, जब अच्छा ही रहे, सुखी रहे, और सब प्रभु में रहे सब। और दिन तो ऐसा आ गया, कोई जैसा पास्टर ने गाया, धीरे 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 बढ़ते ही जाना है हमको तो प्रभु में, धीरे धीरे बढ़ते ही जाना है हमको तो प्रभु में। प्रभु के लिए हम लोग सब एक है और सुखी है, जितना भी प्रभु ने आशीष किया, और सबको ऊपर आशीष रहे, और धीरे धीरे बढ़ते जाना है। अभी तो बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं बीमारी का, और ऐसे ऐसे बीमारी हो रहे हैं, जो पैसा का बीमारी है, जो पैसा फेंके और तमाशा देखे, बिना पैसा का तो तमाशा नहीं देख सकता। तो प्रभु बीमारी से दूर सबको रखे, और सब आशीष दे, जो सब सुखी रहे, घर का परिवार मंडली में, सबके लिए प्रार्थना करना है, इतना है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आमेन, आमेन। सिस्टर मयूरी, आप कैसा है? जी जी, प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे कल से भी ज्यादा आज थोड़ा बेहतर लग रहा है, तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगी। तो और जितना भी और कोविड पेशेंट है मेरा जैसा, सबके लिए भी प्रे कर रहा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बसंती, सिस्टर बसंती, सुन रहा है? नेटवर्क खराब है। जय मसीह, सुना है? सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। आपका लिए हम बोलते हैं, हाँ आपका लिए हम बोलेगा, मेरा मम्मी का लिए, पास्टर व्यास हम बोल देगा आपके लिए। सिस्टर बसंती ने जो रिक्वेस्ट करना चाहता है कि, हाँ वो जो रिक्वेस्ट करना चाहता है कि इस जो मई महीना का है, कंपनी से जो काम किया है वहां से 100% सैलरी नहीं मिल पाएंगे, और साथ में घर भरा तो हमेशा एक ही देना है, घर भरा डिस्काउंट नहीं होता है। तो वो बोला है उसके परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए, ताकि अच्छे से चल पाए। बसंती का परिवार के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि पूरा महीना काम करने से भी दिन में पूरा दिन काम नहीं कर पाया है, और पूरा काम नहीं करेगा तो जहाँ काम किया वो लोग भी कट करना चाहता है, इसलिए थोड़ा दिग्दर हो गया है।
उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेगा उसके परिवार के लिए। फिर भी बसंती ने हमको बताया है परमेश्वर का दशम अंश अच्छा से रखा है उसके घर में, बहुत बड़ा आशीष मिलेगा, प्रभु जरूर हम लोग को प्रार्थना सुनेगा। हमारा पास्टर है तुरा का पास्टर, तुरा का तरफ से भी प्रेयर रिक्वेस्ट तो होगा, प्रेयर पॉइंट भी होगा। हम लोग तुरक में जितना भी मेंबर लोग है सब प्रभु का कृपा से, प्रभु यीशु का कृपा से हम लोग बहुत अच्छे हैं, सुस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु हम लोग को कवर करके रखा है, प्रभु का नाम का किला में हम लोग किला का अंदर में है, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, सिर्फ धन्यवाद देना है। लेकिन इस महीना में थोड़ा हम लोग का टाइट में कमी हुआ है, रेगुलर चार्ज भी नहीं किया हम लोग, करने नहीं पाया, हम लोग अपना अपना घर में कर रहे हैं। ये जल्दी जल्दी खत्म होने के लिए, सही समय आने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और यहाँ में तुरा में बहुत काम करना है हम लोग को। हम लोग हम स्पेशली प्रिपेयर कर रहा है या प्रचार के लिए, जब भी हम लोग जा सकेंगे आदमी लोग का घर में हम लोग जाके पत्रस का पीटर का स्वर्ग का जो चाबी प्रभु यीशु ने देगा बोलते वचन दिया था, उस पत्रस का चाबी को घर घर पहुंचाने का इरादा है, क्योंकि आदमी लोग पत्रस का बिना, पत्रस का चाबी का बिना स्वर्ग में घुसने के लिए उन लोग कोशिश कर रहा है, कभी भी सफल नहीं होगा उन लोग, इसीलिए इसको घर घर पहुंचाने का दायित्व हम लोग को, आप लोग को, हम सबको है। गारोहिल्स में हम लोग ये कोशिश करेंगे प्रभु का कृपा से, उसके लिए चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। चलो प्रार्थना कीजिएगा अपने आंख बंद करके। हालेलुया आमेन, हालेलुया आज का दिन में प्रभु यीशु प्रार्थना का द्वारा से प्रभु यीशु करते रहता है, धन्यवाद भी देते हैं प्रभु। हम लोग अपना प्रेम क्या है, कितना संभाला है प्रभु यीशु, कितना अच्छा है मेरे लिए, और हम लोग का कितना अच्छा है। मेरा ऊपर में दिया है, मेरा परिवार के ऊपर में प्रभु आपने दिया है, और मेरा कलीसिया के ऊपर में आपने दिया है। आपका नाम को हम महिमा करते हैं। Hallelujah. Oh, 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 hallel
परिवार के लिए प्रभु यीशु हम लोग प्रार्थना करते हैं हमेशा प्रभु हर घर से प्रभु आपका आराधना प्रार्थना का आवाज आ जाए हर घर से प्रभु आपका धन्यवाद और शुभ गीत आप आए प्रभु यीशु हालेलुया आमेन हर घर से पवित्र उसका परिवार का भरोसा करते हैं परिवार के लिए प्रभु ये भी जल्दी से जल्दी हटाए खाना भी खा पाए और उसका फीलिंग खुशी से आनंद से रह पाए आशीमा का परिवार के लिए भी प्रभु का प्रार्थना किया आशीमा का परिवार और रंजिता का परिवार और आसरा में विश्वास करके हम लोग प्रार्थना किया है और आशा है प्रभु हम लोग जो सीखा है उदार हेलमेट के लिए हर दिन में प्रभु फेस कर सके और हम प्रयास करके प्रभु परखाने वाला से भी हमेशा जीत पाए और आश्रय से हम ना गिरे हालेलुया ओ हालेलुया
जो आया है प्रभु यीशु आज में आपका हाथ में हम रखते हैं जो देता है भी प्रभु आप आशीष देना, जो नहीं दे पाए हैं उन को भी प्रभु आप आशीष देना, ताकि प्रभु यीशु प्रभु यीशु हम लोग एक साथ आगे बढ़ पाए। ओ हालेलुया में जितना मिला है प्रभु, जितना आया है दुश्मन प्रभु आपका राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिएगा और हम लोग का। ओ हालेलुया में सारी दुनिया पर जो आपका काम है, आपका मिनिस्ट्री है प्रभु यीशु हम लोग पास करो, हम लोग का मिशनरी प्रभु हर जगह में प्रभु मिनिस्ट्री जितना इंडिया में हम लोग प्रभु बहुत लो रेट हो गया है, बहुत डाउन हो गया है कोविड केस भी प्रभु, हम लोग धन्यवाद देते ताकि हम लोग प्रार्थना प्रभु आप सुना है और से भी प्रभु ये जो केस नीचे जाए लोअर हो जाए और आपका काम कर पाए। हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया, हम लोग का असम स्टेट के लिए प्रभु हम लोग प्रार्थना किया और हम लोग का अधिकारी है सरकारी का जिन्ना नर्स है डॉक्टर लोग है उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना किया और जिन्ना कोविड पेशेंट है जीएमसी में जिन्ना पेशेंट है और जिन्ना घर में आइसोलेशन में रहते हैं सबके लिए प्रभु हम लोग प्रार्थना किया है क्योंकि आप भरा है, आप सबको संभाल ले सकता है और प्रभु कोई किसी को ना मरे। हालेलुया ओ हालेलुया, आपका पवित्र प्रार्थना हो गया है, आप हमेशा सुनता है विश्वास करके आज रात हम प्रार्थना किया है और प्रभु हम लोग का गलती भी होगा और हम लोग का मुख से कभी प्रभु झूठ बात भी निकलेगा और खराब बात भी निकला होगा और हम लोग का जो सोचना हम लोग का मन में हमेशा पवित्र भी नहीं होगा प्रभु, हम लोग क्षमा कीजिए प्रभु यीशु क्योंकि हम लोग परफेक्ट नहीं है लेकिन प्रभु आप परफेक्ट हैं, इसलिए प्रभु यीशु आपके पास हम लोग आते हैं। हालेलुया आमीन, सबको प्रभु यीशु क्षमा कीजिए। हालेलुया आज रात में इतना सुंदर समय हम लोग को दिया है इसलिए प्रभु यीशु हम लोग धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं प्रभु यीशु आपके नाम से हम दुआ करते हैं। आमीन प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Jai Masi. Jai Masi. Jai Masi. Praise the Lord, everyone. Jai Masi. हमारा मामा धीरे धीरे बढ़ते हैं जाना है, थोड़ा गीत गाओ आप सिर्फ अदा किया है हम लोग कितना अच्छा से आपके साथ गाया है बढ़ते जाना है हमको तो प्रभु में मौत के बंधन टूट चुके हैं जीवन दिया है प्रभु ने धीरे धीरे बढ़ते जाना है हमको तो प्रभु में मौत के बंधन टूट चुके हैं जीवन दिया है प्रभु ने देखो कि ऐसा ना हो जाए इस बार हमारा कहीं खो न जाए जीवन के मथुरी शिरते धीरे धीरे
बढ़ते ही जाना है हमको तो प्रभु में। मौत के बंधन टूट चुके हैं, जीवन दिया है प्रभु ने। देखो कहीं ऐसा ना हो जाए, विश्वास हमारा कहीं खो न जाए, जीवन के ऐसे कठिन रास्तों पर चलना है हमको, संभल कर चलना है हमको, बहुत ही संभल कर धीरे धीरे बढ़ते जाना हमको तो प्रभु में। के बंधन चुके हैं, जीवन दिया है हम लोग का प्रार्थना शायद रेस्पॉन्ड परमेश्वर से हम लोग फिर मिलेगा, कोई ना कोई ठीक हो जाएगा, चंगाई भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा, खुशी आनंद भी पाओगे ना सिस्टर मयूरी। स्पेशल सिंगर कल रात के लिए सिस्टर मोई, स्पेशल सॉन्ग अच्छा होगा। और प्रार्थना का पहले थोड़ा शेयरिंग होता है वचन, ताकि प्रार्थना अच्छा होने के लिए हमारा पास्टर जी को भी हम लोग रिक्वेस्ट करेगा, पास्टर सुबिमल। प्रार्थना का पहले जैसे आज रात में हम थोड़ा एलिब्रेट किया है, ऐसा ही प्रार्थना का पहले वचन शेयरिंग करने के लिए पास्टर जी को अच्छा। हम लोग रिक्वेस्ट करेगा उसका तरफ से। और हर रात में स्पेशल सॉन्ग रखना है मोई से, वो कितना अच्छा सिंगर है आप लोग मालूम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोग मालूम नहीं होगा। पहले तो गौहती लोग हमेशा मिजोरम में आता है, शायद पानी खेती लोग तो ज्यादा नहीं गया है मिजोरम में, लेकिन उससे पहले मोई बेलतोला लोग तो रेगुलर से मिजोरम में आता है। कितना बड़ा सम्मेलन का सामने वो लोग गीत गाते रहता है, सीमा भी याद होगा, अच्छा सिंगर है। एक सॉन्ग प्रिपेयर करना, प्रेज द लॉर्ड। सीमा ज्यादा अच्छा है, सीमा ज्यादा अच्छे से गाना गाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन आपसे हम लोग शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह। अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से नींद मिले सबको, जय मसीह। गुड नाइट सबको, गुड नाइट, बाय बाय, जय मसीह।